अब 10 मार्क्स ज्यादा, मैं यहाँ पे 120 का एग्जाम्पल लेके बताया, अगर आपकी 150 की टारगेट है तो 160 की टारगेट लेके चलो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया मेरी 300 की टारगेट है तो मैं 310 की टारगेट लेके चलूंगा, समझ रहे हो ना बात को। तो हम लोग की जेई मेंस की फिलहाल के लिए फाइनल डेट आ चुकी है। फाइनल डेट आने के बाद हमारे पास तकरीबन 70 डेज अभी से बाकी रह चुके हैं, 70-75 दिन का दिन हमारे पास बाकी रह चुका है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक आज से लेके उन दिनों तक के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि जिन भी बच्चों को ये डायलमा आ रहा है कि क्या मेरे अभी 75% है तो मैं 95% लेके आ सकता हूँ कि नहीं, मेरी 85% है मैं 98% लेके आ पाऊंगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये 60 डेज में आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये बेसिकली आप लोगों को जानने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो कोई 4-5 दिन के बाद देख रहे हो या फिर 6 दिन के बाद देख रहे हो। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी निकाल लेना और पेन निकाल लेना है, जो भी मैं बातें बोलूंगा जो पॉइंट आप लोगों को अच्छी लगे उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, और एक चीज अभी अपने आप में वो ठान लेना है कि जो भी चीजें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आज से इंप्लीमेंट कर देना है, स्टार्ट कर देना है। 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को सबसे अच्छी जो उसकी रिजल्ट है वो नजर आने लगेगी। आज मैं बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को मेथडोलॉजी जो बताऊंगा दो तरीकों के से आप लोगों की कैसे रैंक इंक्रीज हो सकती है। पहला हमारा बीप तरीका, दूसरा है हमारा RRPR तरीका, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, स्टार्ट करोगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोग जो फेस करोगे वो ये कि आज छोड़ देते हैं कल करेंगे, आज मैं छोड़ देता हूं कल मैं पढ़ाई कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा, आज मैं कम पढ़ता हूं 60 डेज तो बाकी है, कल उस चीज को मैं मैनेज कर लूंगा। तीसरी जो प्रॉब्लम आप लोगों के पास आने वाली है कि जो चीजों को आप पढ़ोगे फिर उन चीजों को भूलते जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन का वक्त है, जो आज पढ़ोगे 10 दिन के बाद वो सारी चीजें दिमाग से निकलेंगी। चौथा होगा कि आप लोगों की जो फ्लो थी ना, एक कि हाँ अभी जनवरी के एग्जामिनेशन दिया आपने, क्लास 12th का एग्जामिनेशन आया, फिर अप्रैल में एग्जामिनेशन होती तो एक फ्लो बना रहता, वो फ्लो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग फ्लो होती है ना कि कैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैसी कोई चीज आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करती है, वो चीजों के अंदर कमी आ सकती है। पांचवा हो सकता है कि जो भी आप गोल अपना बनाओगे कि 50 चैप्टर को मुझे कंप्लीट करने, तो वो गोल कहीं ना कहीं आप लोगों को टूटती हुई नजर आएगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, लास्ट के बाकी के 5 से 7 दिनों में मैं रिवाइज कर लूंगा, और ये लास्ट के जो दिन होंगे ना, ये लास्ट के दिन आपके पास कभी भी आने वाले ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन सारी चीजों से बच सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक टाइम टेबल शेड्यूल करके बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो हमारा टाइम टेबल का जो शेड्यूल होता है दिखने में या फिर सुनने में तो बहुत आसान लगता है, जितना आप लोगों को ये सुनने में आसान लगता है कि ठीक है मैं 50 दिन का टाइम टेबल बना लेता हूँ, इन 50 दिनों में मैं 40 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो उतनी ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। काफी सारे बच्चे, एवरेज बच्चों को खास करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस चीज के अंदर, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि जो मैंने उस वीडियो को बनाया था तकरीबन 1 महीने उस वीडियो को होने को आ चुके हैं, काफी सारे चैप्टर अभी तक आप लोगों ने उन चीजों उसके बाद जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। मैं मान के चलता हूं कि 8-10 चैप्टर अभी तक आप लोगों के आराम से कंप्लीट हो चुके होंगे। हम लोग सबसे पहला तरीका जो अपनाएंगे वो हमारा BIIP। तो भैया BIIP का मतलब क्या होता है जरा ये मुझे बताइए। तो इसका मतलब होता है हमारा ब्रेक इट इनटू पीसेज। क्या होता है हमारा ब्रेक इट इनटू पीसेज। भैया ब्रेक इट इनटू पीसेज मुझे समझ में नहीं आया। देखो कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, आपके पास सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि 60 डेज बाकी है, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास 50 दिन बाकी हो, डेट माइट भी ए केस, 60 डेज हो सकता है, 50 दिन हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, कुछ भी एक हो सकता है। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 60 दिन बाकी है। अब इन 60 दिन को हम लोगों को क्या करना है कि इसको हम लोगों को वीक्स में डिवाइड करना है। किसमें करना है हम लोगों को, डिवाइड इट इंटू वीक्स, ठीक है। तो हमारे पास 60 दिन है, अगर 60 दिन को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं, 60 डेज बाकी रह चुके हैं, तो 60 डेज का मतलब ये है कि हमारे पास 8.5 वीक हमारे पास बाकी रह चुकी है, रह जाएंगे उतने आप लोगों को पेजेस लेने हैं। सपोज पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा ये 7 पेज आपने ले लिया। अब इन 7 पेज में आप लोगों को क्या करना है कि आप छोटे छोटे दिनों में आप लोगों को एक टारगेट लेके चलनी है। देखो दो तरीके से पढ़ाई होता है, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि दो तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। पहला तो ये कि मुझे आवरली के हिसाब से, कि मैंने दिन में ये सेट कर लिया कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है,
5 घंटे पढ़ने हैं, तो मैंने बस दिखावा के लिए क्या किया कि 5 घंटे मैंने सोच लिए और 5 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिए कि हाँ भाई मेरे को 5 घंटे सिर्फ कंप्लीट करने हैं। अब इस दौरान हो सकता है कि आपकी चैप्टर कंप्लीट भी हो सकता है कि आपकी चैप्टर कंप्लीट ना भी हो, बट आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 70% से ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं और ये तरीका सबसे बड़ा फ्लॉप तरीका है। और दूसरा तरीका होता है हमारा कि हम लोगों को टारगेट बेस पे काम करते हैं कि आज के दिन सपोज वन डे में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, आज एक दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब ये एक चैप्टर हो सकता है कि मेरी 3 आवर में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि ये चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 10 आवर लग जाए, ठीक है, लेकिन जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगी नहीं मुझे पढ़ाई से नहीं हटना है। सिंपल सी बात है कि मुझे टारगेट बेस पे काम करना है, अपने आप को टारगेट देना है। जैसे कि जब आप लोग आईटी फर्म में जाते हो, जब आप लोगों की जॉब अभी फ्यूचर में लगेगी, बहुत सारे बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की आईटी फर्म में ही जॉब लगती है, वहां पे आप लोगों को टारगेट बेस्ड काम करने के लिए दिया जाता है। या फिर अगर आप किन्हीं के पापा अगर सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे, 1 महीने में 500 पीस बेचनी है, अब वो आप कैसे बेचो ये आप पे, अगर आप 500 पीस नहीं बेचोगे आपकी सैलरी कटेगी, आपकी पगार कटेगी। वही सिंपल सी बात है कि हम लोगों को टारगेट सेट करना है कि ठीक है 7 दिन में सपोज मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये जो पहला वीक है, इस पहले वीक में, ये रहा पहला वीक, इस पहले वीक में सपोज हमारे पास, सपोज क्या 7 डेज हमारे पास है, तो आपने ये टारगेट रखा कि इन 7 डेज में मुझे 4 चैप्टर या 5 चैप्टर, जैसा भी हो, जितना आप कर सकते हो, वो आपने अभी टारगेट बना लिया कि मुझे 4 चैप्टर या 5 चैप्टर वो कंप्लीट करने हैं। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जेई मेंस जनवरी की आपने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद आपकी जो भी परसेंटाइल आई, 95 हो सकती है, 94 हो सकती है, 92, 91, तो आपका जब आपने एग्जामिनेशन दिया जनवरी का, तो आपकी शायद हो सकती है कि 100 मार्क्स आए। आपने अभी क्या टारगेट रखा कि मुझे अप्रैल में 120 मार्क्स लेके आने हैं, इस टारगेट को मिनिमम 10 प्लस कर दो। अब आपका टारगेट मिनिमम 130 प्लस हो जाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा दिन मिला है। हर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ठीक है सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट ऐसे बच्चे आप लोगों को मिलेंगे जो कि इन समय का फ़ायदा उठा रहे होंगे और वो अभी अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेट कर चुके होंगे। तो आप लोगों को ये 10 मार्क्स जो है वो ज़्यादा का टारगेट अब रखना है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स ज़्यादा। अब 10 मार्क्स ज़्यादा मैं यहाँ पे 120 का एग्जाम्पल लेके बताया हूँ, अगर आपकी 150 की टारगेट है तो 160 की टारगेट लेके चलो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया मेरी 300 की टारगेट है तो मैं 310 की टारगेट लेके चलूँगा। चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँगा तो उसका कुछ तरीका भी तो होना चाहिए, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ, सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग में रहेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ तो यहाँ पे देखा, अब कल पढ़ेंगे वाला सिस्टम को मैंने क्लियर कर लिया, आज कम पढ़ता हूँ, 60 दिन बाकी है, ये भी सॉल्व हो गई, लेकिन भैया चैप्टर तो मैं अभी भी भूलूंगा ना, इसका मैं क्या करूँ, चैप्टर तो मैं अभी भी भूलूंगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग R, R, P और R तरीके से। होता है रीड, दूसरा होता है हमारा रिवाइज, तीसरा होता है हमारा प्रैक्टिस और चौथा होता है हमारा रिटेन। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, उस चीज़ को फिर हम लोगों को बाकी कुछ के बाकी दिनों में हम लोगों को उन चीज़ों को रिवाइज करनी है, रिवाइज करने के बाद उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, और चौथा चीज़ आ जाता है हम लोगों का रिटेन। अब जब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ाई कर रहे होगे, जेई मेंस की तैयारी कर रहे होगे, इस दौरान एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, वो एक चीज़ ये रखना है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 100% करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 100% करने हैं। और दूसरी चीज़ आती है हमारा मॉक टेस्ट, हर एक बच्चे को हर वीक, एक वीक में मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देनी है। हो सकता है आपकी 10 चैप्टर की पढ़ाई हुई हो, हो सकता है आपकी 25 चैप्टर की पढ़ाई हो, 50 चैप्टर की पढ़ाई हो, डजेंट मैटर, पूरी क्वेश्चन पेपर को, 75 क्वेश्चंस को हर एक बच्चा एग्जामिनेशन देगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, तो मैं एक एप्लीकेशन अभी अपनी डेवलप कर रहा हूँ, तो वो यार उतनी प्रोफेशनल एप्लीकेशन तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें मैं अभी 2 लाख 2.5 लाख तो मैं अभी खर्च नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों से झूठ क्यों कहना। तो जो भी अभी मैं 30-35 हज़ार खर्च करके जो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एप्लीकेशन होगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा जो कि एकदम फ्रीली हर एक बच्चा, हर एक चाहे वो गरीब अमीर जो भी हो, वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को रीड, रिवाइज, रिटेन और प्रैक्टिस मेथड से इस तरीके से चलना है, और किस तरीके से रिवाइज करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें यार कौन सी क्या वेटेज है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ और बना चुका हूँ, तो उसकी मैं लिंक आप लोगों को
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप लोगों को वेटेज पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात दिमाग में ये रखना है कि आप लोग मिनिमम 10 ज्यादा मार्क्स, अगर आप 140 के अगर आपकी टारगेट है 150 कर लो उस टारगेट को, अगर आपकी टारगेट 160 की है 170 कर लो, अगर 180 की है 190 कर लो, बट टारगेट को थोड़ी सी बढ़ा के चलना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि इन चीज़ों को किस तरीके से आप यूज़ करते हो। और फ्यूचर में अगर कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो पता ही होगा कि 2-3 जगह पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, एक मैं भी देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। बाकी मिलूंगा और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।